कभी इसका व्लॉग स्टार्ट होता है, हमेशा मेरे व्लॉग में ही आ जाता है ये स्टार्ट करने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज आवर सेकंड डे इन बैरेट वैली एंड हम लोग यहाँ से आज चेकआउट कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा नीचे जाके शॉर्ट वॉट लेते हैं बिकॉज बहुत प्यारा रूम है और रेडी वेडी भी हो गए थे जल्दी, टाइम से हम लोग उठ गए थे। फिलहाल हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और जितना भी रूम मतलब रूम की नहीं, जितना भी इस होम स्टे का डिटेल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन रहेगा, प्लस इंस्टाग्राम पे अपकमिंग वीडियोस एंड वो सब देख सकते हो कि ये कैसा है, लोकेशन कैसी है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप टूरिस्ट बन के यहाँ पर आओगे तो प्लीज़ अवॉइड दिस प्लेस। यहाँ पर शांति बहुत है, तो मैं नहीं चाहती कि इस प्लेस को कोई भी गंदा करे आगे, बिकॉज यार बहुत ऑफ बीट प्लेस है। ऐसा मत करना यार यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो, भीड़ जमा कर रहे हो, तो प्लीज़ ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, शांति ज़रूर मिलेगी। छोटे मोटे वाटर स्प्रिंग्स हैं, रिवर है एंड वाटरफॉल्स है, तो वो आप इन्जॉय कर सकते हैं, बट प्लीज़ अवॉइड दिस प्लेस इफ़ यू आर कमिंग एज अ टूरिस्ट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ब्रेकफास्ट में कैसा है। इन लोगों ने तो खाना भी चालू कर दिया भाई, मेरे लिए वेट ही नहीं करते हैं। ये देखो, हेलो गाइस, क्या चल रहा है? चाय पी लो, चाय या कॉफी? पहले डाउट में मत रहो। देखो ये तो कॉफी है, चाय गरम पीने वाले बेशरम। परांठा खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं। परांठा नहीं, पराठा। परांठा बोलूंगी मैं तो दिल्ली से हूँ। हाँ तो दिल्ली में मैं भी हूँ, पराठा बोलेंगे हम तो। मैं तो परांठा ही बोलूंगी। खाना कैसा है? खाना अच्छा है भाई। खाना अच्छा नहीं होता तो कल से खा रहे होते, कल से यही तो काम कर रहे, खा ही रहे हम, खा ही रहे। सही बात है। तो दूसरे वाली प्रॉपर्टी पे पहुंच रही हूँ जहाँ मैं आमिर खान ने स्टे किया था, उसका व्यू आज हम इस व्लॉग में देखेंगे। गाइस उसमें हम रुक के आए हैं बस, इसको हमने स्टे नहीं दिया, हम दोनों भाई रुके हुए थे उसमें। भाई गलती से मेरे को ऊपर ही छोड़ गए, ऊपर वाले होम स्टे में मेरे को सुला के चले गए और मेरा रसगुल्ला भी खा लिया इन्होंने। ये तो सच नहीं बता सकते हम व्लॉग में, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसने जूस ज्यादा पी लिया था। तो गाइज मिलते हैं नीचे वाली प्रॉपर्टी में, उसके व्यू पॉइंट्स एंड उस लोकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ। स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स। इस रूट मैप को भी आप फॉलो करोगे सही से, मैंने सोचा आप लोगों को भटकोगे नहीं, आप सही सलामत यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये अपना बेरब्लिंग का भी रास्ता दिखा रखा है, यहाँ पे सारे विलेजेस हैं एंड ये है छोटा बंगल भांगल, और ये जो रिवर हमारे साथ साथ चल रही है वो है उल रिवर। मतलब मेरे को स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा, बट UHL एक रिवर करके है उल रिवर, तो वो एक रिवर यहाँ पे चल रही है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे अपने स्टे पे, और ये देखो ये रहा इनका रास्ता। बताओ गाइस, आप में से जो भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्सेज करवाते हैं प्लीज मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन करवा देना, पलक का रजिस्ट्रेशन करवा देना, डिस्काउंट देना। ये मेरे को एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक होती जा रही है। बांदर नहीं है वो, भांगल है। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, खतरनाक सीढ़ियां हैं भाई। मेरा चश्मा कौन ले गया? मेरे पास नहीं है भाई, क्या बात है। तो ये यहाँ का व्यू है पूरा, मतलब पहाड़ों के बीच में ये होम स्टे है। गाइस देखो ये यहाँ का प्रॉपर्टी व्यू है। फिलहाल मैं आपको रूम दिखाती हूँ, यहाँ पे अपना स्टे था एंड यहीं पे आमिर खान सर भी रुके थे, और ये रूम है। अभी हमने क्लीन व्लीन करा लिया था थोड़ा शूट वूट के लिए। ये वॉशरूम है, गीजर वीजर अगेन लगा हुआ है भाई, मैं भूत लग रही हूँ लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वॉशरूम है। फिलहाल रूम दिखाते हैं, स्लीपर्स भी दे रखी है, अलमीरा है, मस्त रूम हीटर, ये बैठने के लिए। ये चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी है, बहुत सही कॉन्सेप्ट से बनाया गया, बिल्कुल पहाड़ों वाली फील आ रही थी। एंड दिस इज़ द रूम, बहुत प्यारा रूम है। दिस इज़ द व्यू, तो यहाँ का व्यू देखते हैं। ये यहाँ का व्यू है।
प्रॉपर्टी में तो काफ़ी मज़े है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एक अनसीन वाटरफॉल है जो कि बहुत ही प्यारा था, मैंने गूगल पे चेक किया था। पहले मैं गूगल पे चेक करती हूँ एंड देन ही एक्सप्लोर करने जाती हूँ। भाई रास्ते इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं आगे, और मन ही नहीं कर रहा है वापस जाने का। बट एक ही दिन रुकने का मौका मिला, बट देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कैसी है। तो फिलहाल देखो पीछे एक शॉट सा वाटर स्प्रिंग है। हम लोग एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जा रहे थे, मतलब गए भी, लेकिन वो मज़ा तो था ना उस वाटरफॉल को देखने के बाद, वो यहाँ पे नहीं आया। तो हमने गाड़ी वहीं से वापस घुमा ली और हम यहाँ पे रास्ते में ऐसी वाटर स्प्रिंग के पास रुक गए। फिलहाल यहाँ पे मस्त फोटो शूट किया यार। यहाँ की लोकेशन में ऐसे छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स हैं, तो मज़ा आ जाएगा ऐसे। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी यार यहाँ पे पक्का आना। बट लोकेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊँगी। वाटरफॉल की लोकेशन जानने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।